क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है टू क्वाइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. फर्स्ट पार्ट कह रहा है एट लीस्ट वन हेड, सेकेंड कह रहा है एट मोस्ट वन टेल, थर्ड है एट ए हेड एंड ए टेल. तो अगर आप दो क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो उसके सिंपल स्पेस की बात करें यानी टोटल पॉसिबल आउटकम की बात करें तो या हो सकता है कि पहले पे भी दो मतलब आप टू क्वाइन को टॉस कर रहे हैं और नंबर ऑफ टॉस नहीं दिया मतलब एक ही बार टॉस करना है. हो सकता है कि पहली बार टॉस करें तो हेड हेड आ जाए, पहले पे भी हेड दूसरे पे भी हेड. दूसरा कंडीशन हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल. तीसरा कंडीशन हो सकता है कि पहले पे भी टेल आए दूसरे पे भी टेल. और लास्ट कंडीशन यानी कि फोर्थ नंबर पे हो सकता है टी पहला टेल आया और दूसरे सिक्के पे हेड है. यानी टोटल सैंपल स्पेस कितना है, टोटल सैंपल स्पेस फोर हो सकता है. एक दो टॉस को एक साथ अगर फेंक रहे हैं तो इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है यानी सैंपल स्पेस ही है. फिर अब बात करेंगे पी एट लिस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो देखिए एक हेड है, एक हेड है और यहां पे एक हेड है, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी. तो पॉसिबल आउटकम और ओवरऑल आउटकम, तो टोटल ये फेवरेबल आउटकम है और टोटल यानी 3/4 पहला ये हो गया. कह रहा है पी एट मोस्ट वन हेड यानी अधिक से अधिक एक हेड आना, अधिक से अधिक यहां पे हेड नहीं बल्कि क्या है टेल है. ठीक है, ये सेकेंड पार्ट में आपका टेल है. कह रहा है एट मोस्ट वन टेल यानी अधिक से अधिक एक टेल आना. तो अधिक से अधिक की बात हो रही है एक टेल दो, मतलब यहां पे कम अधिक से अधिक एक है, अधिक से अधिक यहां पे अधिक से अधिक एक है, अधिक से अधिक दो है, लेकिन ये हो गया और ये यानी यहां पे भी थ्री हो जाएगा, 3/ क्या हो जाएगा 4. एट मोस्ट वन टेल यानी अधिक से अधिक क्या है एक टेल आना. तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है. फिर आगे चलते हैं, यहां पे कह रहा है अ हेड एंड अ टेल, एक हेड और एक टेल, एक हेड और एक टेल. तो एक हेड है यहां पे देखिए एक हेड एक टेल, एक हेड और एक टेल. तो ये मतलब पॉसिबल आउटकम 2 है, ओवरऑल 4 है, तो 2/4 तो यहां कैंसल आउट कर देंगे 1/2. तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का. थैंक यू.